बोलो ऋषि भाई, आखिर आपको बुला लिया ना हमारी बोरीवली की गरबा में। आपके टाउन में ऐसा गरबा होता है क्या? एकदम फ्री स्पिरिट वाला। You mean free spirit, right? हाँ वही, same. यार देश, I can explain, you know. मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है मैं ऑल द वे टाउन से गरबा खेलने यहाँ आया हूँ। यू नो कितना ट्रैफिक था वहाँ पे, इतनी देर में तो मैं अहमदाबाद पहुंच गया। बोलो आप तो भाई बोल रहे हो जैसे टाउन कोई मुंबई के बाहर है, और बोले भी नहीं तो ठीक थे। सुना है आप जूनागढ़ तक गए थे कोई लड़की देखने? Really? लड़की देखने जूनागढ़ जा सकते लेकिन भाई को मिलने बोले भी नहीं आ सकते। ऋषि भाई आपने तो मेरा हार्ट ही फेल कर दिया। हार्ट फेल नहीं, हार्ट ब्रेक। और वैसे तुझे जूनागढ़ वाली लड़की के बारे में किसने बताया? ऋषि भाई ये बोरीवली छे काकी ने माँ को बताया और माँ ने पता चल गया। वो बोलना लड़की कैसे लगी मत पूछ यार। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, वो बहुत गुजराती थी। पर आप भी तो गुजराती थे ने? पर उतना नहीं जितने की वो थी। वैसे यहाँ पे आपको कोई कम गुजराती लड़की मिल जाएगी। मुझे तो मिल गई। अरे तू जा, मैंने Excuse me, octopus. मेरे और रमेश की जोड़ी पूरे जूनागढ़ में जय और बीरू की जोड़ी के नाम से फेमस थी। रमेश के बापूजी हमारे गांव के जमींदार थे और मैं बहुत गरीब था। रमेश पढ़ाई लिखाई में एकदम डोबा था लेकिन अपनी किताबें ने मुझे दे दिया करता था पढ़ने के लिए। उसकी माँ ने मुझे रोज टिफिन भेजती थी, कभी बुंदियों तो कभी थेपला। क्या दिन थे वो। 35 साल पहले जब मैं अपने गाँव से निकला ने मेरी जेब में 100 रुपया डालकर बोला नागेंद्र एक मुंबई तुम्हारे सलाम ठोकेगी। आज बहुत सालों बाद अपने गांव जा रहा हूँ। भूमि रमेश और मेरी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के लिए। तो बा ये ओरम और तेरी जोड़ी ने वर्ल्ड की बेस्ट जोड़ी होगी, हाई क्लास जोड़ी होगी। फॉरम डैड रियली नाम ऐसा तो पता नहीं लड़की कैसी होगी। कैसी होगी? अरे बेस्ट होगी लड़की है मेरे दोस्त रमेश के जैसी है, एकदम फर्स्ट क्लास। लो सुना कर अभी प्लीज 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 डैड 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 खिड़की ऊपर लीजिए डैड, आपको पता है। अरे हमारे गांव की मिट्टी है, थोड़ा अंदर आने दे, एंजॉय कर। डैड मुझे डर से एलर्जी है। अच्छा। देख देख मॉम बोलिए ना आप इनको यार। अरे गाड़ी जल्दी चलाने पापा, हमें इस रास्ते में हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये आ गया, देखो वो आ गया रमेश। अरे मेरा लंगोटिया यार आ गया, मेरा डिग्री आ गया रमेश। मेरे बेटे के बारे में तो पूछ लिया पर मारी डिग्री क्या छे ओरम? अब भी इधर ही थी बड़ा पधारो पधारो।
ऋषि बेटा ये कचौरी खाने मैंने अपने हाथों से बनाई है, ले ले ले। अरे एक मिनट वो सब खाएगा। ऋषि बेटा मेरे हाथों से तो तू ये पेंट नहीं खा, ले 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 खा ले खा ले। आप चाय पियेंगे? चाय पब नो स्लीप पी लीजिए ने, भूकंप में थोड़ा आराम आ जाए। लगता है आप कभी ऐसे गांव आए नहीं, अभी गांव की खातिरदारी से मेरे घबरा गए नहीं। तो क्या है ना कि गांव में ना बेईमान को भगवान मानते। बस बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी रह गई है। कुछ कहा आपने? I was wondering, it's like half of the village. तुम लोग सब, I mean, तुम सब लोग इकट्ठे रहते हो? अरे नहीं बाबा, ये तो अभी रिश्तेदार आने पड़ोसी। वो क्या है ना, गांव में खुशी हो या दुख, सब मिलके बना। अभी खुशी हो तो डबल हो जाती है और दुख हो तो बट जाता। तुम सिर्फ धीमी बात करती हो। नहीं खुद जाती, पर ओ बाबू जी ने बताया था कि की गुजराती की कमजोर है। गॉड शी इज टू गुजराती, इसको तो इंग्लिश भी नहीं आती। और कहीं इसके साथ ये पलटन भी मुंबई आ गई तो टिकती तो ठीक ठाक है, नहीं बोलती तो मरी बाय आ जाती है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट डायरेक्शन। क्या करूं मैं, कितना लक चढ़ा है ना, गांव की शुद्ध मिट्टी से जुकाम नहीं थी। मेरे हाथ के बनाए खाने को तो हाथ भी नहीं लगा, और देख कैसे रहा जैसे कि एक्सरे निकाले गांव में। खट्टा नहीं मैं कहीं का कुछ कहा नहीं आपने? नहीं तो शादी के बाद मैं बहुत सेटल होना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे नहीं बाबा, मुझे तो ये मुंबई जाने में भी तकलीफ। अभी क्या है कि मैं अपने बाबूजी से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, और मैंने तो सुना है कि बिलायत जाने के लिए प्लेन में 20-20 घंटा बैठा रहना पड़ता है। मान ना करे अपने बाबूजी को कुछ हो गया तो मेरी तो प्लेन में बैठे बैठे ही जान निकल जाए। तुमने क्या कह रही कि आप यही जूनागढ़ क्यों नहीं रह लेते? What? You must be kidding, huh? नहीं सर, सच्ची बोल रही हूँ। तुम कभी जूनागढ़ से बाहर निकली हो? नहीं निकली तो नहीं हूँ, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? पर मैं क्या बोलूँगा, please don't mind, but you know, we don't match, हम अलग हैं। I hope you understand. अपने बाबू जी से कह दीजिए कि ये रिश्ता मंजूर नहीं। अरे खूब मजा आवे छे अहीं, बोलो बोलो फोरम ने જોવા ગયો છે? હા પાડવાનો છે યાર, ક્યાં જશે? હા બોલ બેટા, ડેડ ટુ वो मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्या? अंडरस्टैंड दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिंग दैट शी इज नॉट अ नाइस गर्ल, बट हम दोनों अलग हैं। मैं रमेश को क्या जवाब देगा? दैट अप टू यू प्लीज, आई एम रियली सॉरी। ऋषि ऋषि रमेश भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। पहले आप लीजिए। रमेश बात करो, बात करो, चल में
आऊंगी बात करने से। ठीक है, इज नॉट माइंड, बट यू नो वी डोंट मैच, हम अलग हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बोल दिया मैं, ये शादी नहीं होगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन। अरे बात बात बहुत है यू। अरे ये रिश्ता नहीं करना चाहता तू इधर आया ही क्यों? अरे मैं तो सोचता था कि ये मेरा पुराना वही दोस्त है, लेकिन बम्बई ने है ना इसे पूरा बिगाड़ दिया। अरे एहसान फरो मन, तू एहसान फरा मन। अरे तेरा चाकूस बेटा है, ये सांप का बेटा चपोला। बोल दे तू चपोला चपोला। मैंने पाड़ा बोले थे, एक शब्द आगे बोला ने मैं तेरा सर तोड़ देगा। तोड़ देगा, तोड़ देगा तू मेरे को, तोड़ देगा, तोड़ेगा मेरा तू। अच्छा हुआ ये रिश्ता नहीं हुआ, इसका असली चेहरा ने मेरे सामने आ गया। ये पहले भी गुंडा था, ने अभी भी गुंडा है। अभाड़ियों चूना गाड़ियों। अरे मैंने अभाड़ियों चूना गाड़ियों क्या? मारे रिश्तों नहीं करावा तारा की, मेरी छोकरी को तो एक से एक वर मिलेंगे। जा वे आती, जब तू दिखा ना तो तेरा मुंह तोड़ देगा मुंह, समझा? तुम यहाँ बोरीवली में, आई मीन मुंबई में कैसे? ये सवाल तो मैं भी तुमसे कर सकती हूँ कि तुम यहाँ गरबा में कैसे? आई मीन ये सब तो काफी ट्रेडिशनल है और तुम्हें तो मॉडर्न चीजें पसंद। तुम अभी भी उसी बात को लेकर बैठी हुई हो? मैं तो नहीं, पर हाँ मेरे पप्पा जरूर लेकर बैठे हुए। गलती से भी देख मत जाना उन्हें, नहीं तो बिना टिकट के विलायत भेज देंगे तुम्हें। Excuse me. तुम कुछ अलग सी लग रही है। लो बता, मुझे तो सब कुछ यहाँ पे सेम ही लग रहा है, ट्रेडिशनल अने गुजराती, यहाँ तक कि आप भी गुजराती लग रहे हैं। हाँ तुम अकेली आई? अरे नहीं बाबा, अपनी कजन सेजल के साथ। हर साल आती हूँ, क्या है ना मुझे नवरात्रि बहुत पसंद, और वैसे भी मुंबई के गरबे की तो बात ही अलग होती है। नहीं वो तो है। अब वैसे तुमने नहीं बताया अभी तक कि तुम यहाँ कैसे? मैं भी अपने कजन से कहता हूँ ना वो। अरे वाह, लगता है आपकी कजन और मेरे कजन ने पहले से ही दोस्ती कर ली है। Thank you.
और क्या ऋषि भाई, आप तो कह रहे थे कि आपको कोई गरबा वरबा खेलने नहीं आता, लेकिन वो सैजल की बहन फोरम के साथ एकदम इतना उछल उछल कर खेला कि पाँव में लग गया। क्या कॉम्बिनेशन था, ऐसे आपको देख के लग नहीं रहा था कि आप दोनों तो पहली बार मिले हैं। तुझे किसने कहा कि मैं लड़की से पहली बार मिला हूँ? मतलब वही लड़की है जिसे मैं जूनागढ़ में रिजेक्ट करके आया। आपने इस लड़की को रिजेक्ट किया? यही तो मैं सोच रहा हूँ यार, पहली बार देखा था कुछ और ही थी, अभी कुछ और है। I don't know what। कोई वांदो ना थी ऋषि भाई, अभी नवरात्रि में 8 दिन बाकी छे, पता लगा लेंगे। लेकिन ये दोनों है कहाँ, नजर नहीं आ रही। छोड़ना, चलेगी होंगी। अरे ऐसे कैसे छोड़, वो फोरम के साथ उसकी छोटी बहन सेजल भी तो छे ने। एक मिनट मैं उसको फोन करता हूँ। दोनों नंबर भी ले लिया। हेलो, हाँ कहाँ तुम दोनों? रुको रुको मैं आ रहा हूँ। तुम लोगों को ना मैं जब हूँ ना तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मानते हो ना कि हम सबर वाले आप टाउन वाले से कोई ज्यादा कम नहीं है केम? अनबिलीवेबल, वी आर टू मच। ये तुम भी टाउन में रहती हो ने? टाउन में कहाँ रहती हो? ये हमारे ऋषि भाई भी टाउन में रहते। भुलेश्वर। ये नितिन सी रोड। क्या कर रहे? गाड़ी आगे चलनी है पीछे नहीं, तेरी वजह से हम सब मरेंगे आज। तू तो नीचे गाड़ी में चला। गेट डाउन। अरे बट आपको तो चोट लगी ना ऋषि भाई, आप कैसे चलाएंगे गाड़ी? चला लूंगा। चिकनेस भाई आप चाबी मुझे दे दीजिए ना, मैं ड्राइव कर लेती। फोरम इनको चलाने दो, एकदम फर्स्ट क्लास चलाती है। तुम चला लोगे ना गाड़ी? 16 साल की उम्र से ड्राइव चला, पापा का बस चलता ना तो 16 साल की उम्र में हवाई जहाज भी चलाना सिखा देते। आई नो व्हाट यू थिंक ऑफ। अरे आप नजर मत लगाओ मेरे बेटे, इतनी मुश्किल से तो ठीक हुआ है बेटा। हेलो, मैं बीमार था और आप हमें किसी गलत समय में मत रहना। आई एम गोइंग अब्रॉड, दैट्स फाइनल। हाँ तो आप किधर मना कर रहे हैं जाने, लेकिन शादी कर ले उसके बाद बहू को गुजराती होने का गर्व है ना, अपनी बिक्री से प्यार है। तुझे जो पसंद आएगी ना वो लड़की से तेरे रिश्ते की बात चलाएगी। देखता हूँ बोला वो उसकी बेटी संस्कारी हुई तो क्या हुआ है, संसार से लाइफ थोड़ी ना चलती है, बराबर ना? बराबर। लेट मॉम जिग्नेश मेरा वेट कर रहा है, आप भी बोलो। अरे अभी अरे सावन तो बन रही। अरे सुन तो, थैंक यू। क्या वो खाने खेला नहीं आता? आता है ना, अंडे खेलने में कौन सी बड़ी बात है सर। चले हाँ चलो, या पकड़ना भी नहीं आता मेरे को तो।
हिम्मत है तो यहाँ बोलना, अगर लड़की रुक के रिस्पेक्ट नहीं आती है तो गरबा खेलने क्या होते हो? क्या बहुत गर्मी हो, चलो पानी पी, चलो पानी पी ले। चलो भैया जरा चिल पानी दीजिए, किसी का गुस्सा ठंडा करना। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो? मजाक नहीं उड़ा रही, क्या जरूरत थी ये सब करने की, मैं हैंडल कर रही थी ना। राइट, तुम हैंडल कर रही थी, देख रहा था मैं तुम्हारा चेहरा, कितनी अनकंफर्टेबल थी तुम। तुम क्यों देख रहे थे मेरा चेहरा? मने यू लगे थे कि अगर मेन मार्केट से 20% काट के डिजिटल पे लगाएंगे ने तो लोकल मार्केट पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। तू क्यों छे तुम्हारो बराबर है ने? हां मने पण यू लगे छे। बेवकूफ वाला कल ना कितना बड़ा कटा हूं मैं, मने चचा को पैच कर दे छे। नेवर देसी देसी बेटा, अब नेवर बुलाने में व्हाट? या राइट, थिंक लोकल गो ग्लोबल। या ओहो, तू बात की दी छे। देखो मेरा बेटा क्या बोला है, थिंक लोकल गो ग्लोबल, आज से ये हमारे कंपनी का मोटो होगा। बराबर नहीं? तू बात की दी। मैंने कहा क्या गरबा रंबो क्या? किधर गई, नजर क्यों नहीं आ रही? कितने साल के हो तुम? क्या नाम है बेटा आपका? ओए, वो देख, मैं जूनागढ़ अपने असली रोल में आ गई। मैं काम का इंप्रेस हो रहा था, इन गांव वालों का कुछ नहीं हो सकता यार। मैं खुला छोड़ दो तो बस यही हाल कर दे, कभी इससे झगड़ना तो कभी उससे झगड़ना, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी हो ऋषि भाई, जाके देखना तो पड़ेगा ना, कहीं मासूम लड़कियां कोई प्रॉब्लम में ना फंस जाए। पता है मुझे किसकी चिंता हो रही है तुझे। इतने छोटे बच्चे से काम करवाते हो, चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में पता है या नहीं पता? ए छोरी, ये एक्ट बैक्ट नाटक ड्रामा देखने का फुर्सत कहाँ है? अपन तो व्यापारी आदमी है, धंधा मंदा ना हो बस। धंधा तो ना तुम्हारा पैसे भी रखते हो ना पक्का है। एक बार जब तुम जेल चले गए ना तो ये जामनगर फाफड़ा का बंद होना तो पक्का ही है। मुझे ना माफ कर, ऐसे तो क्या इसी भी छोरे से कोई काम नहीं जाऊंगा आज का। तो छोड़, 500 रुपए रख जा। चल कमाल से फॉरम बेन, मेरी फॉरम बेन तो हर बात में कमाल ही करती है। चल 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 दे, आ जा। ये तुम्हें अमेंडमेंट के बारे में कैसे पता? गुजराती समाचार दूरदर्शन में भी आता है ऋषि बाबू। जिग्नेश को तुम आज भी आई हो? कमाल है, ये लो आज की थीम। थीम एंड ऑल, रियली बस इसी की कमी रह गई थी। और ये कंपटीशन हमारे कपल के लिए है, लड़की लड़कों को पगड़ी पहनाएगी और लड़के लड़कियों को चूड़ियां, और जो जीतेगा उसे हॉलीडे वाउचर मिलेगा। Sorry.
बैठी हो? अरे तुम बैठो प्लीज। देखा यार तो नहीं हो रहे? नहीं बाबा जरा सी चोट है। उसमें बताऊंगा डॉक्टर के पास चले। डॉक्टर ऋषि जरा सी चोटें लगती रहती है। वो क्या है आप चूड़ियां भी तो नहीं पहनते हो ना? अच्छा सॉरी मजाक कर रही हूँ। अच्छा एक बात बता तुम यूएस कब जा रहे? मेरे रामजी भाई है ना वो गए और उसके बाद वही बस गए। पता है ये गुजराती लोग ना अगर चांद पे भी चले जाए ना वहाँ पे भी जाके अपना बिजनेस जमा के बैठ जाएंगे। अच्छा तुम्हें पता है यूएस की 40% होटल इंडस्ट्री कौन चलाता है? हम गुजराती। और वैसे भी यूएस क्या पूरी दुनिया में ना हर जगह गुजराती फैले हुए। तुम्हें कैसे पता? जूनागढ़ के बाहर गई हो कभी? सही बात है। अब मंगल पे लाइफ है या नहीं है ये जानने के लिए मंगल पे जाना पड़ता है क्या? और आपका तो पता नहीं मुझे तो गुजराती होने पे गर्व। हाँ भाई जरूर होगा। चलो चल के देखते हैं देखने एक और स्पेशल जीता कि नहीं। हेलो हेलो। हाँ पापा। हाँ फोरम बेटा कैसी है? मुंबई में मन तो लग रहा है ना? बस एकदम। अच्छा तो सुन एक खुशखबरी है तेरे लिए उस ऋषि से भी अच्छा लड़का ढूंढ ली तो जता ना बटे वो बहुत होनहार और संस्कारी भी है। मुंबई में मैं परसों ही आ रहा हूँ और तुम दोनों की सगाई करवा दूंगा। हेलो ए फोरम फोरम बेटा। जी पापा। She is magic. ये आज के दिन अम्मी माँ से हंसते दिल से जो भी मांगो ना वो मिल जाते। मांग के देख। हाँ जानती तुम इन सब चीजों में नहीं मांगती। वो क्या कहते हैं सीटर? हाँ सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस लगता है ना तुम्हें ये? अब नहीं लगता। क्यों? सब लोग बिलीव करते हैं तो कुछ तो होगा ना। मतलब तुम मॉम डैड सब तो मैं भी थोड़ा यू नो मानने लग गया हूँ। क्या बात तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस थोड़ी सफोकेशन हो रही बाहर से के बात कर। हाँ श्योर। तो तुम जूनागढ़ कब जा रही हो? बस 3 दिन में पापा आ जाए फिर। तुम सैड लग रही हो। मुझे तो लगता था कि तुम्हें जूनागढ़ से बहुत प्यार है। इसमें तो कोई शक नहीं। फिर मुंबई से जाने का दिल नहीं कर रहा? शायद मैं थोड़ा ज्यादा रही। मुझे तुमसे कुछ कहना था। एक्चुअली उस दिन जो जूनागढ़ में हुआ ना आई एम रियली सॉरी। मुझे पता तुम्हें हर्ट हुआ होगा। किसी भी लड़की को होता। दुख तो मुझे हुआ था ऋषि पर इस बात का नहीं कि तुमने मुझसे शादी करने से मना कर पर इस बात का कि तुम्हारी वजह से मेरे पापा और नरेंद्र काका के बचपन की दोस्ती खराब हो। तुम्हारी वजह से ये सब मेरी वजह से हुआ था। फॉरम मैं मुंबई में बैठा हूँ यही बला बड़ा हूँ दुनिया घूम चुकी। गुजराती लोगों को लेकर ना लोगों की परसेप्शन बड़ी अजीब सी रही। लोगों को लगता है गुजराती लोग खाने और पैसे गिनने के अलावा कुछ करते ही नहीं। तुमने कभी ये सब फेस किया? मैंने भी ये सब कुछ फेस किया। तुम्हारी तरह मैं भी पढ़ने के लिए अब्रॉड गई थी वहां पर
मैंने भी सब कुछ किया। अपने गांव की मिट्टी से हमेशा प्यार। वन सेकेंड, क्या कहा तुमने? तुम बाहर पढ़ने गई थी? हाँ, लंदन। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने में लंदन गई। और मैंने जो कुछ भी सीखा, जो भी मैंने नॉलेज गेन करी, सब मैंने वापस गांव आकर उसे अपने गांव के विकास के लिए। फिर उस दिन तुम अब्रॉड जाने को लेकर इतना फिक्सेटेड क्यों थी? तुम्हारा इम्तिहान दे रही थी ऋषि। तुम्हें याद मैंने तुमसे कहा था कि अगर मेरे पापा को कुछ हो जाए तो 20 घंटे फ्लाइट में बैठे बैठे मेरी जान निकल जाएगी। सर यही जानना चाहती थी कि तुम्हें मेरी और मेरे पापा की कितनी परवाह। अगर उस दिन तुम्हारा जवाब कुछ और होता तो हमारी सगाई टूटती और ना हमारे पापा की दोस्ती खराब। असल में वो सगाई मैंने तोड़ी थी ऋषि, और तुम तो सिर्फ नाम आ गया। क्या हो यार तुम फौरन? मैं तुम्हें गोली वाली गांव की लड़की समझ रहा था। वो तुम हर बार मेरे सामने एक यू नो नई मिस्ट्री की तरह सामने आ जाती है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा यार। तुम भी तो वैसे नहीं जैसा मैंने सोचा था। क्या क्या सोचा था तुमने? खमंडी, नकचड़े, थोड़े अड़ियल से। हाँ थोड़े जिद्दी हो, पर मन के साथ। तुम तो फिलोसोफर भी निकली है, तुम क्या क्या हो मुझे बता दो अभी। नहीं प्लीज। क्या करोगे मेरे बारे में इतना जानकर? 3 दिन में जूनागढ़ चले जाना है और तुमने यूएस। और वैसे भी पिताजी यहाँ मुंबई में मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, उसके बाद तो जिंदगी चेंज ही हो जाती। अरे बाबा, लड़के वाले तो मुझे देखने आने वाले हैं, तुम क्यों रोनी शक्ल बना रहे हो? वो आप डैड मुझे भी किसी लड़की से मिलाने वाला है शादी के लिए। अच्छा है ना, तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाएगी। मुझे मेरे टाइप की लड़की नहीं मिलेगी। ना मेरे टाइप की लड़की ना 3 दिन बाद जूनागढ़ जाने वाली है और वो किसी से शादी करने वाली है, और मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और अगर आज नहीं कह पाया ना तो मैं कभी नहीं कह पाऊंगा। सी आई लव यू। बोलो शादी करोगे ना मुझसे? बहुत देर हो चुकी है, पापा कभी नहीं मानेंगे। और सच कहो, मैं भी किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मुझे नहीं पता ये तुम्हारे मेरे बीच में ये क्या है, जो भी चलक वैसा जब भी होती हूँ खुश रहती। मैं जाके भी तुमसे कहाँ थे तुम यार? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मुझे पापा आए आ गए क्या यहाँ तक? ये आने के लिए भी जिद कर रहे। तो ले आती ना। ऐसे कैसे ले आती ऋषि? पापा तुम्हें मुझे यहाँ साथ देख रहे थे ना, तो मैंने क्या ही हो? कुछ नहीं होता यार, तुम ऐसे परेशान हो रही हो, कुछ नहीं कहेंगे। मैं हूं ना यार, मैं समझा दूंगा ना। तुम मेरे पापा को नहीं जानते और तुम मुझे नहीं जानती। फॉरम में ऋषि भाई चलो ने, आज स्पेशल बॉलीवुड नाइट है, अब तक तो सीख गए होंगे ना? हाँ अब तक तो बहुत सीख गए।
बेबाज देखो शर्म नहीं आई तेरे को मेरी लड़की को फंसाने के लिए अपना लड़का भेज दिया। मेरे बेटे ने तेरी बेटी को फंसाया नहीं है, वही चली आई जूनागढ़ से मेरे बेटे को फंसाने। तेरा दोस्त अभी मेरे सामने नहीं चलेगा, समझा? पापा प्लीज पापा, अभी क्या प्लीज पर थप्पड़ मार। हाँ थप्पड़ मार, जाने मारा छोकरा है चूड़ी पेरी रही कीजिए ने। आओ तो मार के बता थप्पड़। ये तेरा जूनागढ़ नहीं है, ये मुंबई से मुंबई। डैड प्लीज डोंट क्रिएट सीन यार, प्लीज क्या कर रहे हैं अंगोरे? तू चल चल चल, तारा टाटिया भांगी ना केस। अरे तू चल करे चल। घर तो एकदम मजा नू बनावी रही कुछ है ऊपर वाला नी कृपा छे। सो ले सो तमे चाय की कॉफी, बस आप लड़की को बुला दीजिए। एक बात बोलूं, आपसे ज्यादा हिम्मत तो मुझ में है। अगर मेरे बाबूजी जिग्नेश की जगह किसी से भी शादी करने कहते ना, भले ही ऋतिक से, तो भी मैं मना कर देती। और एक आप हो, एक खुद ही कुएं में कूद रही हो। मैं क्या करूं सिर्फ, क्या करूं? बेटा ये तेरे माँ से जीजाजी की भाई की पोती है, एकदम मॉडर्न है, जैसी तुझे पसंद है ना वैसी है। दिन जैसी मेरी नाक मत कटा देना है। ऋषि भाई मैं क्या बोलता हूँ, अभी भी टाइम से आप बोलो तो फोरम भाभी को भगा ले। चलो अच्छा, ट्रेडिशनल लड़की लगती है, देखते ही मना कर दूंगा। डैड को तो पहले ही लगता है कि मुझे मॉडर्न लड़की चाहिए। बढ़ाया लड़की देखने में, ऐसा मुंह बनाऊंगी उल्टे पैर रख जा। कैसी लगी हमारी बेटी? She looks nice and घूंघट, beautiful। अभी तक उसे सिर्फ सपनों में आता था, अब उसकी आवाज भी कानों में गूंज रही है। बेटा अपना घूंघट तो ऊपर कर दो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। इसको बोलता है जूनागढ़ का स्वाद अने सरप्राइज। आप तो थे पापा। अरे डैड रमेश का कब, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, आप दोनों तो एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं थे, फिर आपका झगड़ा कैसे सॉल्व हो गया? झगड़ा? कौन सा झगड़ा? अरे जब झगड़ा हुआ ही नहीं तो सॉल्व करने का सवाल आया कहाँ से है? ये तो हम लोग दोनों का प्लानिंग था, प्लानिंग तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। हाँ ये हमें पता,
समझाओ ना ये लोगों ने, तुमको तुम्हारी समझ पे भरोसा है लेकिन हमको हमारी दोस्ती में पूरा भरोसा था। और तब हमने फैसला किया कि हम तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में समझाएंगे। देखो तुम्हारी जोड़ी है ना एकदम फर्स्ट क्लास, जो लक्ष्मी नारायण देवी जोड़ी है। और तो आपको बहुत स्मार्ट समझती थी ना, तू भी अपने आप को देशानी समझती है ना। सबकी नानी तेरे चक्कर में डांडिया सीखा गरबा सीखा क्या नहीं किया, ये दोनों फिर से शुरू हो गए। अरे भाई अब तो एंगेजमेंट कर लो। नहीं मैं कोई एंगेजमेंट नहीं करूंगा। अरे मेरा मतलब है बिना प्रपोजल के कोई एंगेजमेंट करता है क्या?